भी मलिंग, जैसे कि ये मैजिकल मलिंग है, मलिंग राज्य है, और आसपास जो इसके चारों तरफ से एक बेसिकली आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जो पानी है इसका ये बहुत ही मैजिकल है। इसमें मतलब कुछ भी जो भी आपको तकलीफ़ है वो इस पानी से सॉल्व की जा सकती है। तो ये इसकी, इस मलिंग की शक्ति है, इसका पानी जो आसपास इसका पानी है वो इसकी शक्ति है। और हमारे राज्य जो मायावी मलिंग है उसका राजा दिखाया है, जो कि महाराज शिलादित्य है, जो कि मेरा किरदार है। उसकी तीन बेटियां हैं और तीनों बेटियां ऐश्वर्या, गरिमा और प्रणाली, ये तीनों की जो परवरिश हुई है ये बहुत ही एक जैसे राजकुमारियों की परवरिश होती है, जहाँ पे उनको कभी तकलीफ़ ना हो, बहुत ही नाजों से पाला गया है, फूलों की तरह उन्हें रखा गया है। वहाँ से उनकी तब्दीली कैसे होती है जहाँ पे वो वॉरियर बने, जो कि बिल्कुल बड़े से बड़े शत्रु के साथ में लड़ने की क्षमता रखें, तो उनकी वो पूरी तब्दीली, उनका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ये शो है। यहाँ पर उनका अटैक किसी दानव वंशियों से होता है, वो दानव अटैक करते हैं इसके ऊपर, इसका पानी लेना चाहते हैं, इसके ऊपर अपनी हक जमाना चाहते हैं, इस राज्य के ऊपर, मायावी मलिंग के ऊपर। तो बेसिकली पूरी के पूरा जो एंटायर स्टोरी दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस। कॉस्ट्यूम इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा हल्का सा साउथ इंडियन टच इसको दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पहेली वाली बात नहीं है इसमें। जैसे पूरे का पूरा है, जिस तरह से पहनाव है इसका, जिस तरह की ज्वेलरी है, जिस तरह की फुटवेयर दिया गया है, जिस तरह के माथे पे हर एक का एक अलग सा टीका करने का, जो ये जो तिलक लगाने का स्टाइल है, वो सबका बहुत अलग अलग है, लेकिन है पूरे का पूरा सारा एक हल्का सा साउथ इंडियन टच है उस सबका। व्यूअर्स को मैसेज नहीं, मैं व्यूअर्स से प्रार्थना करना चाहूँगा, उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अलग शो है मायावी मलिंग। मैं जानता हूँ कि IPL चल रहा है, लेकिन फिर भी 1 मई शाम 7 बजे मायावी मलिंग स्टार भारत पे देखना ना भूलें। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये शो बहुत ही मेहनत से बना है, क्योंकि इस शो में एक्टिंग के साथ साथ जो पीछे के ग्राफिक्स हैं उन सब की बड़ी कमाल की मेहनत होती है। तो देखें शो को, और एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको ये पसंद आएगा और आप बार बार देखेंगे। मेरा कैरेक्टर ऐश्वर्या है, मेरे कैरेक्टर का नाम ऐश्वर्या है, और मैं ज्ञान की मूर्ति आप कह सकते हैं, क्योंकि जितनी नॉलेज मलिंग में ऐश्वर्या के पास है उतनी है किसी के पास नहीं है, ऐसा मेरा परिवार मानता है और मैं भी मानती हूँ, कहीं ना कहीं नहीं मानती, क्योंकि ऑन कंट्रास्ट वही मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ अपनी नॉलेज, अपने नॉलेज को लेके नहीं पर अपने नेचर को लेके। मैं शर्माती हूँ, मैं बोल नहीं सकती ज़्यादा और घबराती हूँ कि ये कहीं सही है या गलत है, पर इतना मेरे को पता है कि मैंने किताबों में पढ़ा है तो ये ज़रूर सही होगा। मैं बिलीव करती हूँ जो मैंने बुक्स में पढ़ा है वो रियल में होगा। मेरा लुक जो है अभी काफ़ी हैवी है, क्योंकि ये जो एक सीन से इंस्पायर्ड लुक है, और अदरवाइज़ ऐश्वर्या जो है वो बहुत ही पेस्टल कलर्स पहनती है और कम ज्वेलरी पहनती है, पर ज्वेलरी में डिटेलिंग बहुत है हमारे किंगडम की, ये साउथ से इंस्पायर्ड है, तो उसमें आप गॉडेस देखेंगे बनी हुई और अलग अलग डिज़ाइंस, मोर और ऐसे सुंदर, जो चीज़ें सुंदर हैं मतलब ऐसा लगता है वो मलिंग से ही आई हुई हैं। और मेरा हेयर एंड ऑल भी काफ़ी डिसाइड किया हुआ है कि सिर्फ ये ही ऐश्वर्या को होगा, ज़्यादा लाउड नहीं होगा, मेकअप भी बहुत कम है, एकदम मतलब नो मेकअप लुक होना चाहिए। व्यूअर्स को मैं ये मैसेज दूंगी कि कीप लविंग अस, प्लीज़ सपोर्ट अस, इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट विच वी हैव कम अप विथ, एंड वी हैव हाई होप्स बिकॉज यू एज व्यूअर्स हैव टू लव अस, एंड बहुत मेहनत की है हमने, और ये शो सबसे अलग है, इसमें सास बहू का ड्रामा नहीं है, इतना एडवेंचरस है, किंगडम है, ब्यूटिफुल है, तो देर इज़ आई थिंक नो रीज़न लेफ्ट फॉर यू टू नॉट वॉच इट, सो प्लीज़ वॉच एंड लव अस। मेरे कैरेक्टर का नाम है अंगद, और मैं महापुरम के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूँ, आई एम द एल्डेस्ट सन, द एल्डेस्ट प्रिंस, एंड मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इक्वेशन दिखाई है मेरी मदर के साथ, मधुमली के कैरेक्टर के साथ, एंड देन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इक्वेशन विद प्रणाली हु इज़ द प्रिंसेस फ्रॉम मलिंग, शक्ति की सबसे बड़ी, शिलादित्य की सबसे बड़ी जो डॉटर हैं, एंड या रेस्ट ऑल ऑल्सो माई फादर, माई ब्रदर, सबके साथ एक अलग इक्वेशन है अंगद का, सो या इंटरेस्टिंग है। लुक इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली, दिस इज़ मोर ऑफ अ सेमी फॉर्मल लुक दैट आई हैव राइट नाउ। अगर मैं इसमें स्टोल लगाता हूँ और इफ आई वेयर माय क्राउन देन इट बिकम्स वेरी फॉर्मल। सो अंगद हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन हिज ज्वेलरी,
and his costume, the color palettes, and you know, the dhotis and lungis. So yeah, it's fine. Mayavi Malling ek period fantasy hai jiske andar superheroes aur super heroines dono hain. Basically ye danavanshiyon aur devanshiyon ki ladai ke bare mein hai. Ab main ye nahi bataungi kaun bura hai kaun acha hai, I think sabko naam se hi pata chal jayega. And ye story basically Malling ke around revolve karti hai kyunki no, I'm not telling you that. So, हाँ, तो मैं हूँ मधुमली, जो मैं शक्ल से ही बुरी लगती हूँ ना, तो आप समझ जाइए. मैं एक महारानी का लुक प्ले कर रही हूँ, और मैं महारानी का लुक नहीं प्ले कर रही, आई एम सॉरी, मैं महारानी हूँ. एंड मैं सुपर हीरोइन भी हूँ, तो मैं उड़ती हूँ, और मेरे पास जो सुपर पावर है वो है आइस, शीत शक्ति की. तो मैं जो भी पहनती हूँ वो हमेशा सफ़ेद, मेरा जितना भी जेवर है सब सफ़ेद है. तो या तो मैं हीरे पहनती हूँ या चांदी. तो मेरा मुकुट, जो मेरे पास और भी है, यही नहीं है, मुकुट है, माथा टीका है, मेरी बिंदियाँ हैं, कान के हैं, मेरी रिंग्स, हाथ बाजूबंद, मेरे पास कमरबंद भी है जो मैंने आज नहीं पहना है, माई नेकलेस, और मेरे कपड़े भी अगर आप देखेंगे तो सब पे डायमंड्स हैं. और मेरे पास एक और लुक है जो पूरी चांदी है. सो और मेरे कपड़े भी जो है वो सारे कोल्ड कलर्स हैं, जो मतलब बर्फ़ के आसपास के जो रंग होते हैं, जैसे काला, सफ़ेद, ये ग्रे, पर्पल, मैं कभी भी वार्म कलर्स नहीं पहनती. मैं व्यूअर्स को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि हमने ये शो बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत प्यार से बनाया है. प्लीज़ इस शो को देखिएगा, और मैं इतनी उम्मीद रखती हूँ कि जितना मज़ा हम लोगों को ये किरदार निभाने में आया है, आई होप उससे आधा मज़ा आप लोगों को ये शो देखने में है. शो बिल्कुल सबसे अलग है. इसमें सिर्फ ड्रामा ही नहीं है, इसमें बहुत सारा मस्ती है, रोमांस है, मैजिक है, शैतानियाँ हैं, तीन बहनों का प्यार है, सब कुछ इस शो में आपको देखने के लिए मिलेगा. और ये बिल्कुल नॉर्मल शो जैसा नहीं है, तो आप बोर नहीं होने वाले, आपको बहुत इन्जॉय करने वाले हो आप शो देख कर. ये जो शो है ये स्टार भारत पे आ रहा है, और स्टार भारत की लाइन है, कुछ नया करो, डर को भुला दो. सो ये टोटली उस पर बेस्ड है कि किस तरह तीन राजकुमारियाँ अपने किंगडम को बचाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स फेस करेंगी, कैसे अपने किंगडम को सेव करेंगी. पूरा मैजिकल शो है, एक फैमिली शो है जिसे हर कोई देख सकता है. तो होप आपको अच्छा लगे. लुक प्रॉपर साउथ इंडियन है, और मुझे सजना बहुत पसंद है, इसीलिए मेरा ज्वेलरी कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, देख सकते हैं आप. मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो बहुत ही सिंपल है, आप मुझे मोस्टली इंग्लिश कलर्स, ब्रेव कलर्स में देखोगे, जो धोती है, कपड़े है, घाघरा है. और मुझे सजना संवरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे ज्वेलरी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं, मेकअप तो भूल ही जाओ. तो बहुत ही टाइनी ज्वेलरी, बहुत ही हल्का सा मेकअप, एंड मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ. सो गरिमा बहुत ही गरिमा ग्रेसी है, बहुत ही क्विक गर्ल है, और लुक बहुत ही सिंपल है, और स्वीट है, एंड ब्रेव है. लास्टली व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप ये शो देखें, बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, हम तीनों बहनों को पसंद करिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद करिए, हमारी बॉन्डिंग ऐसी ही रहे, और हमारा शो बहुत ज़्यादा आगे जाए, और आप सबको पसंद आए, प्लीज़ आप उसे देखिए और प्यार दीजिए. द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग इज चेगू, वेरी सिंपल गाय. He only believes in his mother, nothing else. And tribal hai to zyada padha likha nahi hai, social etiquettes nahi hai, and he always talks whatever comes in his mind, doesn't think if it's right or wrong and somebody would feel bad about it or nothing like that. Mera look bahut hi simple look hai, most of the times bare body hai. So we've done a little experiment in the show. Usually you guys have seen me with long hair and everything. Now I have short hair and I have this little cut here, and I have wings, the most amazing part. And so yeah, I'm loving the character. This is the sign of a tribal.
since he's from tribal, so I'm sure you guys must have seen her tribal mein everybody has a different tattoos. It's kind of a tattoo, so every male in my tribal has a different tattoo. Keep loving me as you've been always loving me and supporting. So